स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा अभी कैपिलैरिटी वगैरह भी नहीं बताया ना अभी कुछ भी। नो सर, अभी नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। चलिए हेडिंग डाली सरफेस टेंशन। सर सुदीप को ज्वाइन कर लीजिए, वो कह रहा है ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। सुदीप यस सर। सुदीप को तो मेरे चलिए मैंने डर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन में लिखिए इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्क ऑफ विच बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपर सरफेस बिहेव्स लाइक इट्स अपर, फिर से मैं पढ़े दे रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपर सरफेस बिहेव्स लाइक एंड इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इट्स अपर सरफेस बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन विच हैज द टेंडेंसी which has the tendency to contract, which has the tendency to contract so as to occupy the minimum surface area ठीक है। फिर से मैं एक बार पढ़ बता दे रहा हूं सरफेस टेंशन क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपर सरफेस बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड विच हैज the tendency to contract so as to occupy the minimum surface area, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड का जो अपर सरफेस होता है, किसी मान लो जैसे हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में यहां तक पानी भरा हुआ है, ऐसे करके इसमें पानी भरा हुआ है बीकर में, तो बीकर का जो अपर सरफेस है लिक्विड का, मतलब ये वाला जो सरफेस है ऊपर जो पानी भरा हुआ आपको दिख रहा है गोल गोल, यहाँ पे यहाँ का जो एरिया है
उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी है टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब ये जो अपर लिक्विड सरफेस है ये किस तरीके से बिहेव करता है कि एक ये इलास्टिक स्ट्रेस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब होती परत, बहुत पतली सी एक परत होती है वो, और वो इस तरीके की इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो हमेशा चाहती है कि उसका जो एरिया रहे वो हमेशा मिनिमम रहे, कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है, मतलब अपने आप को सिकोड़ना चाहती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, इसी को कहा जाता है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, किसी भी लिक्विड का जो अपर सरफेस होता है वो एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और वो मेम्ब्रेन हमेशा क्या चाहती है कि उसका जो एरिया रहे वो कम से कम रहे, इसलिए वो अपने आप को हमेशा सिकोड़ना चाहती है। देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इट्स अपर सरफेस बिहेव्स लाइक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन को खींच दिया गया है विच हैज द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी टेंडेंसी क्या है हमेशा सिकुड़ना चाहती है, और कैसे सिकुड़ना चाहती है, सो एज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब हमेशा ये एरिया क्या होना चाहता है, अपने आप को कम करना चाहता है। समझ में आ गई बेटा बात। अब इसको मेजर कैसे करना है, तो सरफेस टेंशन को मेजर करने का तरीका है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर हम इसमें कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, इस इमेजिनरी लाइन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स ही हमारा क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। जैसे आप मैंने इमेजिनरी लाइन में फोर्सेस बना दिए गए, तो जो सरफेस टेंशन होगा आपका, सरफेस टेंशन वो क्या होगा आपका, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। और सकते हैं या फिर सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, एस या फिर सिग्मा, सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं ये, तो एस से डिनोट करेंगे या फिर सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो ये एस और सिग्मा की जो वैल्यू आएगी ये है एफ बाई एल, ठीक है। सरफेस टेंशन को जो मेजर करने का तरीका है वो है आपका सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, सिग्मा का सरफेस लेंथ है जिस लेंथ को हमने माना है, कंसीडर किया है कि इमेज उसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब ये आया कहाँ से है, ये बात यहाँ से पता चलती है कि जितनी बड़ी हम लोग लाइन कंसीडर यहाँ पे करेंगे, जितनी लेंथ कंसीडर करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, मतलब जो फोर्स होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, जितनी ज्यादा लेंथ कंसीडर कर लेंगे उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा, लेंथ कम कंसीडर करेंगे तो फोर्स भी कम मानेंगे। एल क्या है, लेंथ है, जो इमेजिनरी लाइन हमने इसमें कंसीडर किया उसकी लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कॉन्स्टेंट आ जाता है सिग्मा इंटू एल, यही सिग्मा सरफेस टेंशन का है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल बन गया है ये। हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रही है और आपकी स्क्रीन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, पॉज है आपकी स्क्रीन। सुभी अब दिख रहा है सर, स्क्रीन अभी भी नहीं शो हो रही। यस सर अब शो हो रही है, सबको ऐसे शो हो रहा है सर। हाँ सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, अब आ गया ठीक से। तो ये बात समझ में आ गई, हमने एक लिक्विड कंसीडर किया, लिक्विड के अपर सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की है, इस लाइन की जो लेंथ है वो एल है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो सिग्मा आ गया है, यही सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है,
सो सरफेस टेंशन की वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो एफ अपॉन एल आ जाए, ठीक है। डायग्राम बना के और इतनी बात नोट कर लो, फिर इसके आगे लिखते हैं हम लोग। चलो इसके आगे लिखो, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द लिख लेना है, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द सरफेस ऑफ लिक्विड ठीक है, फिर से बोले दे रहा हूं मैं, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड के सरफेस पर जो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उस पर लगने वाला फोर्स ही सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू जो बात पीछे लिखी थी एफ बाई एल हो जाता है, ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है आपका। इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, ये मीटर हो जाएगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग खुद से आप निकाल सकते हो इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, नीचे लेंथ है एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो डायमेंशन आपका बचेगा एम टी माइनस टू। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन बचेगा वो बचेगा एम टी माइनस टू। नोट हो गए बेटा यहाँ तक, यस सर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी।
सरफेस एनर्जी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होती है? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, अपॉन इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया अपॉन इंक्रीज इन एरिया। कर सकते हो बेटा ये बात समझ में आ गई? अगर इसकी यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी, वो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, मतलब इंक्रीज इन एरिया, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी सरफेस एनर्जी की। ठीक है, एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर न्यूमेरिकली, ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली, सरफेस एनर्जी ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, किसी भी लिक्विड की जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है। यहां तक नोट हो गया? ठीक, चलो
अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन tangent and tangent, पूरी बात लिख लेते हैं, tangent drawn in liquid surface, tangent drawn in liquid surface with the solid surface, with the solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid is called angle of contact. Is called angle of contact. फिर से मैं बोले दे रहा हूं angle of contact की definition, the angle between tangent drawn in the liquid surface with the solid surface inside the liquid is called angle of contact. ठीक है, अब कैसे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है ये मैं तुमको बताता हूं। देखो, मान लो सपोज दैट हमारे यहाँ पर कोई एक लिक्विड है, तो जो लिक्विड होता है वो तीन तरीके के सरफेस बनाता है। एक सरफेस इस तरीके का बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉनकेव लिक्विड सरफेस कहते हैं। एक सरफेस आपका बनता है कॉन्वेक्स के शेप में, ऐसे करके एक सरफेस बनता है लिक्विड का, एक ऐसे करके यहाँ पे बाकी सब पानी भरा हुआ है। तो तीन तरीके के सरफेस बने आपके पास, एक कॉनकेव सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एक आपका प्लेन सरफेस है। ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका एक प्लेन सरफेस है। तो जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन ये है कि जो लिक्विड सरफेस है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें। तो मान लो इसका टेंजेंट यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं इस पॉइंट पर। तो सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल थीटा, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखो, कॉन्टेक्ट कॉनकेव के केस में मैंने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा बना रखा है। यहाँ पर विजिबल है ना सबको बेटे? यस सर। एक कॉनकेव लिक्विड सरफेस दिया गया है, कॉनकेव लिक्विड सरफेस में मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया। टेंजेंट सब लोग, तुम लोग जानते होगे, स्फेरिकल सरफेस पे टच करती हुई जो लाइन होती है वो टेंजेंट कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट बना रखा है, ये टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस है, इसके साथ ये जो एंगल बनता है थीटा, ये कहलाता है हमारा आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब देखो। हाँ बेटा सर, डाउन साइड से सरफेस ओपन है क्या?
यहाँ पर नीचे? यस सर। और वो तो मैंने बनाया नहीं, मान लो कोई ट्यूब होती तो बना देते, नहीं तो ऐसे कंटेनर है तो कंटेनर से बंद रहेगा ऐसे, ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने बनाया नहीं है नीचे। अगर ट्यूब होती तो ट्यूब मतलब कहाँ तक गई होगी, उसका कोई एंड ही नहीं है, कोई बीकर होता तो ऐसे भरा होता, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं, कॉन्वेक्स के केस में जब ये बनेगा तो ये एंगल ऐसे करके बनेगा, ऐसे टेंजेंट ऐसे बनेगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर अब जब अंदर एंगल बनाएंगे तो ये एंगल थीटा एंगल यहाँ पे बनेगा सॉलिड सरफेस के साथ में ऐसे करके। समझ पाए तो कैसे एंगल बना हुआ ये? ये कब बनता है? मान लो जैसे मरकरी है, मरकरी को ग्लास में भर देंगे तो यहाँ पे लगभग जो थीटा की वैल्यू होती है वो 108 डिग्री के आसपास होती है, इसमें 108 डिग्री, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है, 90 से कम होती है यहाँ पर, यहाँ पर 90 से ज्यादा होती है, 108 डिग्री के आसपास होती है। और जब प्लेन लेंगे तो प्लेन में तो कुछ है ही नहीं, प्लेन में तो सीधा दिख रहा है, वैसे यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है जब इस तरीके का सरफेस दिया हो। तो तीन तरीके के सरफेस, ये आपका जो केस है ये मरकरी और ग्लास का है, जब किसी मरकरी को ग्लास में भर देते हैं, मरकरी एंड ग्लास, किसी ग्लास में मरकरी को भर देते हैं तो ये एंगल बनता है आपका। यहाँ पे आप ले सकते हो कोई भी एक वाटर ले लो, वाटर को कांच में भर दो, वाटर एंड ग्लास, यहाँ पे आप ले सकते हो प्योर वाटर, किसी तरह का उसमें डाइल्यूशन नहीं किया गया, किसी तरह कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं मिक्स किया गया, प्योर वाटर है और आपका सिल्वर है, प्योर वाटर एंड सिल्वर, मतलब पानी को चांदी के बर्तन में रख दें तो जो प्लेन बनता है बिल्कुल, वहां पे पानी चढ़ता नहीं है अगल बगल से, तो ये इनके एग्जांपल हो जाते हैं कि अगर हमें कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस चाहिए यहाँ पर तो वाटर और ग्लास ले लें, तो वहां पर तो थीटा की वैल्यू होगी 90 से कम होती है, लेस देन 90 डिग्री होती है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस चाहिए तो मरकरी और ग्लास ले लें, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 108 हुआ करती है, मतलब 90 से ज्यादा होती है, और जब हम लोग प्लेन लेते हैं बिल्कुल तो वहां पर प्योर वाटर और सिल्वर ले लें, मतलब चांदी के बर्तन में पानी प्योर वाटर भर दें तो वहां पर प्लेन सरफेस बनता है, तो वहां पर थीटा की वैल्यू 90 होती है। अभय तिवारी, यस सर, बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, आ गए। तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। डायग्राम सबने बना लिए हैं तीनों? जी सर। और पूरी ये बात भी लिख लेना ताकि याद रहे कि कॉनकेव के केस में थीटा की वैल्यू 90 से कम आती है, कॉनवेक्स के केस में थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, और प्लेन के केस में थीटा की वैल्यू 90 होती है। उनके मैंने सबके एक एग्जांपल भी लिख दिए नीचे, वाटर और ग्लास का लेंगे जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो 90 से कम आएगा, मरकरी और ग्लास का जब लेंगे तो 90 से ज्यादा आएगा, और प्योर वाटर और सिल्वर का जब लेंगे तो वहां पर 90 आएगा। तो तीन तरीके के सरफेस आपके सामने दिखेंगे आपको।
सुबह हो गया बेटा सबका? यस सर। अच्छा और ठीक है, कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी का? पेपर को मालूम है सबको? पेपर एग्जाम के बारे में जानकारी है, सिलेबस वगैरह पूरा सारे बता दीजिए। क्या सर आपको पेपर पैटर्न बताना था ना, नेगेटिव मार्किंग आप कुछ बोल रहे थे। अब उसमें बताना क्या है, आप उसमें सॉल्व पेपर करना, अब जैसा होगा आपके सामने तुरंत आ जाएगा लिख के, उसमें कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, कितने आपके नंबर आए, कितने माइनस हुए, सब चीज आपके सामने आ जाएगी उसमें लिख के। ओके सर। हाँ, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं, आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट ही करना है। हाँ, कोई ना कोई बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स के पेपर में भी ऐसा ही है, आप स्किप नहीं कर सकते। मैंने बहुत बढ़िया अच्छा खासा पेपर, आप फर्जी का टिक नहीं लगा पाओगे कोई भी, करना ही पड़ेगा आपको। जो पढ़े नहीं होंगे ना कर नहीं पाएंगे पेपर। ठीक है, तो चलो आज आज अभी यहीं तक रहने देते हैं। सरफेस टेंशन के बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट तक किया, कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इनसाइड लिक्विड, कि प्रेशर ऑफ सोप बबल पढ़ेंगे, प्रेशर इनसाइड सोप बबल, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, कल की क्लास में करते हैं, कल तो शायद क्लास भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सुधि। सर टाइम बहुत कम रहता है सर, मैथ्स के पेपर में भी यही हुआ था सर, टाइम बहुत कम था। फिजिक्स मैथ तो सर सॉल्व करने में टाइम ही लगता है ना। तो अब बेटा क्या कर सकते हैं, तो पैटर्न में सर 8:30 टाइम रहता है, और उसके बाद करो तो फिर सबमिट नहीं होता, लेकिन सर टाइम बहुत कम है। हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स के लिए तो ठीक है, बट सर मैथ्स और फिजिक्स के लिए कम टाइम है। बेटा फिजिक्स के लिए मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी पेपर में आपके, लेकिन आप 8:30 के बाद सबमिट करोगे तो 8:40 तक आपका टाइम मतलब दिखाएगा कि आपने टाइम से सबमिट, 8:40 के बाद अगर आपने फिजिक्स का पेपर सबमिट किया तो मेरे पास लेट सबमिशन लिख के आएगा, और कितनी लेट आपने किया ये भी लिख के आएगा मेरे पास। अदरवाइज उसके टाइम लिमिट नहीं, मतलब क्लोजिंग टाइम नहीं है पेपर का मेरे, आप किस समय सबमिट करोगे ये टाइम मेरे पास लिख के आ जाएगा, कितने मिनट बाद आपने सबमिट किया है।